2012 से आज तक ये नवरात्रि उत्सव हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे साहब के नाम का ही मैदान है। इस मैदान पे राजदांडिया गरबा होते आ रहा है। देखो, सहूलत ऐसा नहीं है। अपना पहले 2012 से 1 रुपया प्राइस टिकट नहीं है, ना पार्किंग नहीं है, कोई चार्ज नहीं, मुफ्त गरबा है। और ये एरिया में गुजराती मारवाड़ी समाज ज्यादा प्रमाण में है, उत्तर भारतीय समाज, महाराष्ट्रीयन समाज, मुस्लिम समाज। आपने देखा होगा, अभी भी मेरे स्वयंसेवक मुस्लिम, जो स्वयंसेवक है मुस्लिम पदाधिकारी या मुस्लिम समाज के लोग हैं। अभी आपने मुस्लिम समाज के भगनी आपने देखा होगा, वो बहन लोग मेरे बाजू में बैठे थे, वो देवी का दर्शन लेते हैं। वहां पे पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए भी खड़े होते, या गरबा रसिका को उसका खेल खेल रहे, उनका आनंद भी ले लेते। इसे कोई ऐसा जात धर्म नहीं है। ये नवरात्रि सबसे खासियत एक है, ये माँ के सब बच्चे हैं, वो माँ के पास आए भी आएंगे, और जो भी आया वो माँ का बच्चा है। नवरात्रि के या गरबा की आड़ में आप कहीं राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? तो राजनीति का लाभ लेने में मुझे आमदार होना नहीं है, मुझे खासदार होना नहीं है, मैं नगर सेवक हो ही नहीं सकते हैं। तो मैं क्या, 2012 से दो इलेक्शन हो गया, 12 का हो गया, 17 का, एक कॉरपोरेशन का हो गया, ये सब 14 का हो गया, जो भी 19 का हो गया, लाभ कौन सा चीज का लियो। मैं एक बाला साहब का भक्त हूँ और बाला साहब का भक्त बन के रहना चाहता हूँ, कोई लाभ लेने का नहीं है। ये बाला साहब ने कहा है, 80% समाज कारण, 20% राजकारण। इस पे 20% भी राजकारण ये होता है कि मेरे बाला साहब का, उद्धव साहब का, आदित्य साहब का बैनर होता है। इससे अवला कोई ऐसा ये नहीं, सभी पक्ष के लोग ये माँ का भक्त, जो माँ का दर्शन लेने को आते और मेरे ऊपर जो प्यार करते हैं, वो हर पक्ष के लोग आ जाते हैं। नमन चांद, हमारा यहाँ पे हिंदू उदय सम्राट शिवसेना प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे मैदान में नागमा पांडा नवरात्र उत्सव 2023 हमने आयोजित किया है। और मैं नागमा फाउंडेशन के ट्रस्टी और नागमा फाउंडेशन नवरात्र उत्सव 2012 से 2023 में हमारा 12 साल हो गया। इस बार हमने बहुत ज्यादा स्पेस रखा है गरबा खेलने के लिए, इस माध्यम से हमने आयोजित के लिए किया है नवरात्र उत्सव। यहाँ पे 2012 से बहुत लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स देते हैं मीरा भाईंदर में, और यहाँ पे सिर्फ मीरा भाईंदर नहीं कहते, यहाँ पे दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे बहुत लोग तारीफ करते हैं नवरा फाउंडेशन के माध्यम से, और ऐसा बहुत लोग इंजॉय करते हैं। और हम लोग प्राइजेस गिफ्ट देते हैं सब लोग को, अलग अलग कॉस्ट्यूम के लिए गिफ्ट देते हैं हम लोग। अब आज लास्ट डे में हमारा फ्रीज, वॉशिंग मशीन, ये सब प्राइज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम नवरा फाउंडेशन के लिए हम कुछ ना कुछ आयोजित करते जाते हैं, बट ये नवरात्र उत्सव जो है हम हर साल रखते ही जाएंगे, क्योंकि 2 साल कोविड में, 1 साल तो हमने घर में किया था, लेकिन इस बार बहुत लोग खुशी से गरबा खेल रहे, बहुत लोग भीड़ भाड़ रहे हैं, बहुत लोग रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और ऐसा माता जी के तरफ से सबको प्रार्थना देती हूँ, और फिर का फैमिली के तरफ से बहुत बहुत बढ़िया शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू।